जयपुर में संविदाकर्मी की घटना से खड़े हुए कई सवाल। PMAYU के कई संविदाकर्मियों को समय पर क्यों नहीं मिल रहा वेतन? क्या संविदाकर्मियों के पास कोई रास्ता नहीं बचा है? क्या सरकार पूरी तरह संवेदनहीन हो गई? क्या सरकार ने जवाबदेही छोड़ दी है? जयपुर हाईकोर्ट बिल्डिंग में संविदाकर्मी मनीष सैनी की जान जाने से भजनलाल सरकार की नीतियों और कार्य प्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यह केवल एक व्यक्ति की जान नहीं गई, बल्कि यह एक बड़ी समस्या की ओर इशारा है, जिससे राज्य के सैकड़ों संविदाकर्मी जूझ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या सरकार इतनी असंवेदनशील हो चुकी है कि संविदाकर्मियों की जान जाने के बाद भी उसके कानों पर जू नहीं रेंग रही? पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में लगे संविदाकर्मियों को नहीं मिल रहा वेतन, सीएम मीटिंग में भी उठा था मुद्दा। पीएम आवास योजना में लगे कई संविदाकर्मियों को महीनों से वेतन नहीं मिला, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत काम कर रहे हैं, उन्हें 4 महीनों बाद महज 1 महीने का वेतन मिला है। क्या सरकार की प्राथमिकता अब केवल चुनावों में पैसा बहाने तक सीमित हो गई है? संविदाकर्मियों की फाइलों पर अफसरों के पास समय नहीं है, जबकि उपचुनावों में करोड़ों की फिजूल खर्ची मिनटों में हो जाती है। यह स्थिति एक स्पष्ट संकेत है कि सरकार ने अपने संविदाकर्मियों की जीवन यापन की मूलभूत जरूरतों को भी नजरअंदाज कर दिया है। सुसाइड केस पर बोले पूर्व सीएम, सरकार पीड़ित परिवार को दे उचित मुआवजा, संविदाकर्मियों को उचित वेतमान दिया जाए, नियमितीकरण करने की प्रक्रिया पूरी करे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संविदाकर्मी मनीष सैनी की आत्महत्या पर दुख प्रकट किया है और सरकार से मांग की है कि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और संविदाकर्मियों को नियमित किया जाए। उन्होंने अपने कार्यकाल में संविदाकर्मियों के लिए बनाए गए नियमों और स्क्रीनिंग प्रक्रिया को भी याद दिलाया, पर सवाल ये उठता है कि मौजूद सरकार कब तक संविदाकर्मियों को ऐसे ही टालती रहेगी? क्या अब संविदाकर्मियों के पास अपनी जान देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा? सवाल ये भी है कि सरकार जवाबदेही से क्यों भाग रही है? यह केवल संविदाकर्मी ही सरकारी निकम्मेपन का शिकार होंगे? सैनी की जिंदगी खत्म होना एक चेतावनी है, जो राज्य में फैली असंवेदनशीलता और अफसरशाही के भ्रष्टाचार का जीता जागता प्रमाण है। अगर अब भी सरकार ने आंखें बंद रखी तो यह स्थिति और बिगड़ सकती है। सरकार को इस संवेदनहीनता का जवाब देना होगा, नहीं तो संविदाकर्मियों के भविष्य का सवाल उठता रहेगा और उनके हाथों में जिंदगी खत्म करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचेगा। खासखबर.com के लिए सैयद हबीब की रिपोर्ट।